अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हमने गले का डिज़ाइन तैयार किया है जिसमें हमने सारे लिप्स बटन लगाए और ऊपर हमने फ्लैट कॉलर लगाया। चलिए शुरू करते हैं, ये गला हमने किस तरह तैयार किया है। ये हमारा फ्रंट है, ठीक है। ये 4.5 इंच पे हम इसे यहाँ पे निशान लगा देंगे और 4.5 इंच पे इस जगह पे। तो इसे हम गोल शेप नहीं देंगे बिल्कुल, यहाँ से इसे थोड़ा सा इस तरह शेप लेके जाएंगे और यहाँ पे इस तरह शेप दे देंगे, ठीक है। इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इसे हम हटा लेंगे। ये हमारी पट्टी है, ठीक है, बुकरम की पट्टी है हमारी। हमने 4.5 इंच पे इसके गले की कटिंग की है, ठीक है। हम यहाँ से 4 इंच पे ऊपर निकाल लेते हैं और यहाँ पे 17 इंच पे हम इसे निशान लगा लेंगे। ये मैंने बारीक से बिल्कुल निशान लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से हम इसे 1.25 इंच चौड़ा कटिंग कर लेंगे। इसे हम कपड़े पे चिपका लेंगे। ये मैंने पट्टी चिपका दी कपड़े पे, ठीक है। ये साइड में मैंने कपड़ा छोड़ दिया इसका दबाव के लिए। इसे भी हम प्रेस कर लेंगे। अब ये देखें, जो बीच में हमारा गैप आ रहा है इसके बिल्कुल सेंटर में हम काटेंगे, ठीक है। बुकरम के किसी किनारे पे नहीं काटेंगे, दोनों साइड पे हमारा दबाव आना चाहिए। बिल्कुल नोक तक कटिंग नहीं करेंगे, थोड़ा सा पहले रोक देंगे, ठीक है। जब हम इसकी सिलाई लगाएंगे फिर हम नोक तक कटिंग करेंगे। ये मैंने कटिंग कर दी और ये हमने डोरियाँ पलटी हुई हैं, ठीक है। इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ठीक है, अंदाजे से आप कटिंग कर लें। इसके लुक्स बनाने हमें ये तकरीबन 2.25 इंच हमारी पट्टी आ रही है, ठीक है, डोरी आ रही है। तो सारी डोरियाँ इसी तरह कटिंग कर लेंगे। कटिंग कर ली सारे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लुक्स लगाएंगे इस साइड पे। इसे इस तरह रख लेंगे। ये दबाव हम इस साइड पे देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम इसका 1 इंच का गैप देंगे, वहाँ पे उसके बाद हम इसके लुक्स लगाएंगे। डोरी थोड़े थोड़े से गैप से हम लगा लेंगे, बिल्कुल चिपका के नहीं लगाने। अगर हम जैसे कि हम बटन लगाएंगे तो बटन हमारे बिल्कुल टकरने नहीं चाहिए आपस में, ठीक है, वो टेढ़े हो जाते हैं। मैंने लूप्स लगा लिए, ठीक है। लूप्स आपको इतने बड़े लगाने जितना बड़ा आपका बटन हो कि लूप्स उसमें आराम से खुल जाए, ठीक है, क्योंकि ये लूप्स खुलेंगे तो हमारे गला आएगा, ठीक है। अब इसका दबाव हम कम कर लेंगे। ये देखिए, अब इसे हम फ्रंट पे लगा लेंगे। ये हमने आले की कटिंग की थी, ठीक है। बाद में हम इसका फ्लैट कॉलर लगाएंगे, पहले हम ये पट्टी लगा लेंगे। यहाँ पे इसे रख के ये हमारा सेंटर आ रहा है, ठीक है। ये जो हमारा सेंटर आ रहा है, सेंटर हमारा इस तरह आएगा, ये आ रहा है, ठीक है। पहले हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे, फिर ये वाली पट्टी इस तरह रख के यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे।
अब हम इसके नोक तक कट लगा लेंगे। पट्टी को हम पलट लेंगे इस तरह, ये इस तरह हमारे लुप से आ जाएंगे। ठीक है, अब इसे हम प्रेस कर लेंगे, गले को प्रेस करके यहाँ पे तुरपाई कर दें। ठीक है, सारी तुरपाई कर दी यहाँ पे। ये देखें, लुप्स हमने थोड़े थोड़े से गैप से रखे हैं, आपके बटन के हिसाब से लुप्स लगते हैं। अगर आप करीब करीब बिल्कुल बटन चाहते हैं तो उसी हिसाब से जो है ना यहाँ पे हमें लुप्स लगाने होते हैं। अब हमें नॉर्मल छोटा साइज जो है ना बटन लगाने हैं इसमें, तो हमने थोड़ा सा गैप दिया। अगर आपके बटन बड़े बड़े हैं तो उसी हिसाब से आपको लुप्स लगाने होंगे। ठीक है, ताकि हमारे बटन बराबर आए, बिल्कुल एक दूसरे के साथ ऐसे लगते हुए आए। अब इसके नीचे हम पट्टी भर लेंगे अपनी। ये 2.5 इंच चौड़ी पट्टी थी, हमने इसे डबल करके सिलाई लगा के पलट लिया। ठीक है, अब यहाँ से हम इसे 3-4 लूप्स जो है ना छोड़ देंगे, उसके नीचे हम पट्टी भरेंगे ताकि गला हमारे सर में आराम से आ जाए। पहले इस साइड पे सिलाई लगाएंगे, उसके बाद हम यहाँ इसे सेट करके यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने पट्टी लगा ली इसके नीचे। ठीक है, यहाँ पे हमने 4 लूप्स छोड़ दिए। अब इसके हम शोल्डर जोड़ेंगे, फिर हम इसके कॉलर काटेंगे, फ्लैट कॉलर हमारे बुकरम में। ठीक है, इसे हमने डबल किया हुआ है यहाँ से। यहाँ से एक निशान हम सीधा लगा लेंगे इसे, फिर यहाँ से एक निशान हम 2 इंच पे लगा लेंगे। ठीक है, इस निशान को भी हम सीधा कर लेंगे। उसके बाद इस निशान पे हम 4.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और इस साइड पे भी 4.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। ठीक है, इसे यहाँ पे हम शेप दे देंगे। ये हमने कॉलर का निशान लगा लिया। ठीक है, आप ये पैटर्न भी यूज़ कर सकते हैं जो हमने फ्रंट से काटा था। ये देखें, ये हमारा फ्रंट का पैटर्न है, ये हमारा बैक का है, ये बैक है हमारे। ठीक है, अब ये देखें, इसे हम नाप लेते हैं कितना आ रहा हमारा। ये पौने 12 इंच आ रहा है। ठीक है, वन साइड पूरा ऑल राउंड ये 25 इंच हो जाएगा, तकरीबन 23.5 इंच हो जाएगा। ठीक है, अब इसे मैं आपको इसका हाला भी नाप के दिखा देता हूँ। अब ये देखें, ये इसका हाला है। ठीक है, इसे हम डबल कर लेते हैं इस तरह और इसे हम नाप लेंगे। ये देखें, ये भी हमारा पौने 12 इंच आ रहा है। ठीक है, पूरा फिक्स आएगा हमारे कॉलर इस पे। ये परेशान नहीं हुईगा कि इतना बड़ा कॉलर हमारा आ रहा है, क्योंकि फ्लैट कॉलर बड़ा ही हो जाता है। ठीक है, अब इस पे यहाँ पे हम 1.5 इंच पे निशान लगा लेंगे अंदर वाली साइड पे। यहां से हम इसे काट लेंगे थोड़ा सा। अब ये देखिए, इसे हम इतना ही गैप देके इसे कपड़े पे चिपका लेंगे। यहाँ पे हमें थोड़ा सा गैप देना है।
ये मैंने कॉलर चिपका लिया है, ठीक है। अब इसके नीचे हम फिनिशिंग देंगे, इसे हम पहले काट लेते हैं, अलग से एक फिनिशिंग देंगे यहाँ पे। इसे रख के यहाँ पे इस साइड पे हम सिलाई लगा लेंगे, अंदर वाली साइड पे, ठीक है। यहाँ से शुरू करेंगे सिलाई को, ये सिलाई लगा लेंगे। इस नोक तक हमें सिलाई पक्की करनी है। यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कोई भी ऐसी शेप वाली चीज़ होती है उसे हमें कट लगाने होते हैं लाजमी। इसे हम पलट लेंगे। पलटने के बाद इसे हम प्रेस कर लेंगे पूरे कॉलर को। कॉलर को मैंने प्रेस कर लिया, इसका हम सेंटर करेंगे। बैक का भी सेंटर कर लेंगे। ये हमारी बैक है। कंधी की हम सिलाई से सिलाई मिला लेंगे, यहाँ पे कट लगा लेंगे। अब इस कॉलर को हम अपनी शर्ट पे लगा लेंगे यहाँ पे। ये देखें, ये जहाँ पे हमारी बुकरम चिपकी हुई है जिस कपड़े पे, ठीक है, वो कपड़ा हम इस तरह इसके साथ मिला लेंगे, फ्रंट के साथ, सीधी साइड के साथ, ठीक है। यहाँ पे हम इसे सिलाई लगाएंगे, ये पूरी सिलाई लगा लेंगे कॉलर में। ये देखिए, मैंने कॉलर लगा लिया, ठीक है। अंदर वाली साइड पे हमारी तुरपाई होगी। अब इस दबाव को हम अंदर ले लेंगे। यहाँ से भी इसे मोड़ लेंगे। अब यहाँ पे हम इसे तुरपाई कर देंगे पूरे कॉलर में। ये मैंने कॉलर में तुरपाई कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे हम बटन लगाएंगे अपने सारे। यहाँ पे हम सारे बटन डाल लेंगे। ये मैंने बटन डाल लिए, ठीक है। ये हमारा गला तैयार हो गया।